ये टॉपिक था कि एक्सरसाइज करता है सुप्रीम पावर, ठीक ना। नेक्स्ट जो होगा हम लोग देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो चलो जरा समझते हैं एग्जीक्यूटिव। तो देखो एग्जीक्यूटिव को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एग्जीक्यूटिव जो हमारे होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, बता सकते हो कौन कौन से? जल्दी थोड़ा हेल्प कीजिएगा आप लोग, डू इट फास्ट। एक एग्जीक्यूटिव जो होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग को लास्ट क्लास में हम हिंट भी दिए थे। हाँ गुड, एक कहेंगे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल ठीक ना, समझ में आ रही बात? ठीक, पॉलिटिकल है। और दूसरे जो होंगे कौन से होंगे? परमानेंट होंगे, परमानेंट। ओके ओके गुड। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनका टर्म कितने दिन का होता है जनरली? मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का टर्म कितने दिन का होता है? 5 साल का। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का टर्म कितने दिन का होता है? परमानेंट का टर्म कितने दिन का होता है? परमानेंट का कोई टर्म नहीं होता है। और इनको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोल क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एग्जीक्यूटिव? बिकॉज ये जो होंगे वो एग्जीक्यूट करते हैं लॉस को, नियम को जो होंगे, ठीक ना, एग्जीक्यूट करते हैं। अक्षत ना बिल्कुल सही बात कर रहे हो, जॉब होने से लेकर और रिटायरमेंट तक, जॉब होने के साथ साथ से लेकर रिटायरमेंट तक ये वर्क करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एक एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो तुम लोग? एग्जाम्पल्स ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या क्या हो सकते हैं? गिव मी सम एग्जाम्पल्स। पुलिस है, सिविल सर्वेंट्स है, वेरी गुड, बहुत सही बात है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर क्या है? इट इज एग्जीक्यूटिव और नॉट? प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है ठीक ना। अगर हम पूछे एमपी की बात करें, एमपी, एमपी क्या एग्जीक्यूटिव है? एमपी एग्जीक्यूटिव है कि नहीं? एमपी, यस एमपी भी एग्जीक्यूटिव है। हाँ यस, सब करने लगे। एक किसी आंसर ने कहा था कि नो नो, एक किसी का आंसर आया था कि नो। एक मिनट चेक कर लेते हैं किसका आंसर नो आया था, किसने नो कहा था बताओगे तुम लोग? किसका था? सैयद का, सैयद फुरकान ने कहा था, सैयद ने कहा था ना, सैयद अली अब्बास ने कहा था कि नो, ठीक ना। चलो बाकी सभी का क्या है? यस है, चलो ठीक ना। तो एमपी क्या एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है? एमपी, फिर से एक बार, एमपी एग्जीक्यूटिव है? तो आंसर है उसका नो, एमपी एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। एमपी एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। एमपी किसका पार्ट है? एमपी पार्ट है लेजिस्लेचर का। एमपी लेजिस्लेचर कहलाता है बाबू। एमपी जो होंगे लेजिस्लेचर कहलाते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव, समझ में आया? ठीक ना। यही एमपी अगर वो मिनिस्टर बन जाए, यही एमपी अगर मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जा रहा है ना, ठीक है, तो जब मिनिस्टर वो बन जा रहा है तो उस टाइम पे ये मिनिस्टर क्या हो गए? ये मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हो गए। हाँ एमएलए की बात करो तो लेजिस्लेचर में है भाई। एमएलए का मतलब कुछ भी हो सकता है, जीता हुआ पार्टी, हारा हुआ पार्टी, कुछ भी हो सकता है। ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के मेंबर है। एग्जीक्यूटिव मंत्रालय जब मिल जाएगी तब वो एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक ना, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्लियर हुआ ना? क्या काम करते हैं? तो ये एग्जीक्यूट करते हैं लॉस को, यानी कि जो भी नियम कानून बनता है उसको लागू करते हैं, उसको फॉलो करवाते हैं। ओके एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होगा, बिल्कुल होगा, जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो, जब वो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज आल्सो, हाँ बिल्कुल है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी है। ये देखो ये जो पीएम की बात कर रहे हैं, दोनों रोल जो होंगे प्ले करते हैं। जब ये लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं तो लेजिस्लेचर का भी रोल प्ले करते हैं, ठीक ना, यानी कि जब वो एमपी बन जाएंगे तो वो उस समय जो होगा लेजिस्लेचर का रोल प्ले करेंगे, लेकिन वहीं पे जब पीएम उनके गवर्नमेंट से ऑर्डर देंगे तो उस समय क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव का वर्क जो होगा वो प्ले करेंगे। तो पीएम तो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट दोनों के दोनों अंदर आते हैं।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अब देखो, दो तरह के हमारे पास एग्जीक्यूटिव हो गए हैं, एक को हमने बोला है परमानेंट, एक को बोला है हमने पॉलिटिकल। ठीक, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे, हर एक लेवल पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे देखो ये चीजें जो होंगी थोड़ा सा डबलिंग कर गई है, इसको आप इरेज कर लोगे, ये एस आर लिखा हुआ है। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट देयर आर सम फंक्शनरीज, कुछ फंक्शनरीज होते हैं जो कि डे टू डे डिसीजन लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ भाई ठंडी के टाइम पे स्कूल को बंद रखना है, डे टू डे डिसीजन हो गया। ठीक, लेकिन ये सुप्रीम पावर जो होगा बिल्कुल इनके पास नहीं होता है, लेकिन हाँ क्या होता है, ये डिसीजन लेते हैं पीपुल का। ठीक, हमारा सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम पावर है मिनिस्टर के पास है, या जो लोकसभा जिसको हमने चुन के रखा है उसके पास है, लेकिन ऐसे जो फंक्शनरीज होते हैं जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात? तो हम लोग जब भी देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, जब भी हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट कौन होता है, तो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं। भले ये अलग बात है, गवर्नमेंट में मेजोरिटी की सरकार बनी है तो लेजिस्लेचर में भी किसका हाथ होता है, तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हो तो जरा बताइए। ये दो पॉइंट बोल्ड में है, इसे आपको नोट करना है आपके नोट्स में। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। चलिए नोट कर लीजिए। डन, अगर राजी ना हो तो फिर 5 साल के बाद आप कुछ करेंगे साकेत? इस बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बीच में बस हो हंगामा कर सकते हैं रोड पे, बहुत सारे रैलियां निकाल सकते हैं, बहुत सारे डिबेट कर सकते हैं, पब्लिक डिबेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में इतना कुछ नहीं है। 5 साल तक इंतजार कीजिए, आपका डिसीजन गलत हो गया है, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, तब तक तुमको बेनिफिट मिलेगा, तब तुम सरकार को बीच में ही बदल दोगे, नहीं तो ऐसे बदलने वाले नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं बदलाएगा। डन, ओके, चलो अब ये हो गया, अब हम सीधे समझते हैं आगे, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, तो ये तो वो समझ चुके होंगे, दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड,
उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और वहीं पे जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक ना। और इसी में जो होगा जो सिविल सर्विसेज में होते हैं उनको हम लोग सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं। जो सिविल सर्विसेज में होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं। देखो अब सिविल सर्वेंट जो होगा इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, एग्जाम्पल ऑफ बोथ क्या नहीं समझ में आ रहा है? पीएम, पीएम कौन सा एग्जीक्यूटिव है भाई समीर? एग्जाम्पल ऑफ बोथ आप कह रहे हो, अभी कहाँ थे क्लास जब ऑन हुआ था? तो समीर आनंद क्लास ओपन था उसमें आप थे कहाँ? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोज एग्जीक्यूटिव विच आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, ठीक ना। जैसे कि सीएम की बात करें, पीएम की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें, होम मिनिस्टर के पास पावर है ना, लेकिन कितने साल तक पावर पे रहेंगे? क्या पूरे के पूरे लाइफ टाइम रहेंगे? नहीं रह सकते हैं, ठीक ना समीर, तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक। तो ये आपके कैसे हो गए? ये आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुए। और वहीं पे क्या हुआ कि जैसे कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर चले गए, ठीक ना। हम ये नहीं करेंगे सिविल सर्वेंट ही बन जाओ, आप गवर्नमेंट जॉब करके आप क्या हो गया? आप पुलिस ऑफिसर बन गए, ठीक ना, या कोई दूसरा ऑफिसर बन गए, ठीक। तो आप भी एग्जीक्यूट करोगे ना, तो क्या सरकार बदलेगी तो आपकी नौकरी चली जाएगी? सरकार बदलेगी तो आपकी नौकरी तो जाने वाले नहीं है। तो उस केस में आपका टर्म जो होगा वो फिक्स नहीं रहा ना, आप परमानेंट हो गए, तो आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाओगे। वहीं अगर तुम सिविल सर्विस से निकाल लोगे तुम सिविल सर्वेंट कहलाओगे, सिविल सर्विसेज वाले सिविल सर्वेंट कहलाएंगे। हो गया, इज इट क्लियर? आप सही है सबको? अभी बताओ किसके पास अधिक पावर होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास कि न, जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास? हाँ, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विस ये सबके सब पॉलिटिकल के पास। भाई क्यों क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि सिविल सर्वेंट्स अधिक पढ़े लिखे होते हैं? वो दे आर मोर एजुकेटेड देन द सिविल सर्वेंट्स? नहीं होते हैं ना? हाँ कुछ होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं नेता जो कि अंगूठा छाप होंगे, जो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि सिविल सर्वेंट जो होंगे वो अधिक एजुकेट होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होगा उसको एडवाइस करने वाला जो होगा वो ज्यादा पावरफुल होता है, फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा एजुकेटेड होता है। वहीं पे जिसको भी दिया जाए, जो भी मिनिस्ट्री दी जाए, उसके एडवाइजर जो होते हैं, एडवाइजर कमेटी जो होती है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू द सिविल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन फिर भी क्या होती है, फिर भी जो डीसीएस होते नहीं जाती है, डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है किसका? तो डिसीजन लेने वाला सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। भाई क्यों 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 ऐसा क्यों होता है भाई, ये नाइंसाफी क्यों है? तो इसका सीधे बात है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन डेमोक्रेसी यस दिस इज बिकॉज आवर डेमोक्रेसी गिव नो प्रायोरिटी टू एजुकेशन। बिल्कुल कहना है आप चुना है कि आप मुझे आपकी टोटली योर फॉल्ट, ठीक है। एजुकेशन प्रायोरिटी काफी अधिक है कि डेमोक्रेसी में एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, दी जाती है। यस एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे फिर दोबारा, क्लासेस में भी हम लोग इस पर डिस्कस किए हैं कि वाई एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर बीइंग इन पॉलिटिक्स। ये आपके इसके फॉलो वाले चैप्टर में था ना, और डिस्कस किए हैं वहाँ पे राइट टू गेट इलेक्टेड के अंदर, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग मूविंग अहेड। अब देखो इसका आंसर हम देखते हैं, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, द रीजन इज वेरी सिंपल। यहाँ बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपुल इज सुप्रीम, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या चाहिए तो डेमोक्रेसी में चाहिए विल ऑफ पीपुल।
विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम, यानी कि डेमोक्रेसी में जो भी लोग चाह देंगे वही होना चाहिए। लोग चाहते किसको है, लोग चाहते हैं कि हम राज करें, और अपने राज के लिए वो चुनते किसको है, दे चूज मिनिस्टर्स। बोलो किसको चूज करते हैं, मिनिस्टर्स को। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं? इसलिए डेमोक्रेसी, तो अगर इन केस आपको आंसर लिखना है तो आप ये आंसर लिखोगे, ठीक ना? क्वेश्चन आपका वही है और आंसर आपका यहाँ पे रहा है। क्वेश्चन मैं आपको शुरू कर दूं, याद रहेगा क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन सर भी आप करना है, मतलब तो अगला टॉपिक होगा वो आपको नोट डाउन करना है कि वाई, वेट, यहाँ भी क्वेश्चन है। ठीक सबको, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक ना? और उसके आंसर यहाँ पे है, तो अभी आप लोग आंसर नोट डाउन कर लो। चलिए नोट इट डाउन जल्दी। पेज ब्लैंक है क्या बाबू? अभी क्या सभी को ब्लैंक पेज दिख रहा है क्या? अभी निखिल राज को ब्लैंक पेज दिख रहा है? सभी को वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? स्क्रीन शो हो रहा है, यस और नो? बस बोल रहा लिखना है बाबू, ठीक ना? तो उसके पहले मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं अभी चुपचाप आपका वेट कर रहा हूँ। ओके देन, तो कुछ स्टूडेंट जरा मेरे पास हैंड रेस कीजिए, जो अभी एक डिस्कशन का पार्ट होना चाहते हैं, हैंड रेस कीजिए एज पर योर ओन चॉइस। थोड़ा सा हम लोग ओरली आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे।
जिसे खुद से डिस्कशन का पार्ट बनना हो वो हैंडलिस्ट करो। अनन्या क्या हुआ? श्रेया है क्लास में? श्रेया राठौर। कोई भी ऐसा नहीं है। वाह, मुझे सेलेक्ट करना होगा क्या तब इनमें से? चलिए पहले अनन्या अनम्यूट कीजिए। म्यूट ना करना, फिर यस सर, ऑन ही रखना बाबू। यस ओके, सर। मुझे देखो, मैंने ऑफलाइन में नाम याद नहीं रखा, प्रॉब्लम हो रही है मुझे। साकेत अनम्यूट कीजिए। सर, हो गया। चलिए हेलो। नेक्स्ट कौन आ सकता है? तनिषा। बाकी अगर किसी को पार्ट बनना है तो बीच में भी हैंडल कर सकते हो। बाबू तुम लोग प्राइम मिनिस्टर का नाम सुने हो तुम लोग? यस कौन है अभी? नरेंद्र सर। मोदी। कंट्री का मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है? पीएम इतना सभी मानते हैं ना कि कंट्री का मोस्ट पावरफुल पर्सन जो होगा पीएम है। यस सर, लेकिन पावर सर प्रेसिडेंट के साथ है। हाँ ठीक, इस पीएम को कौन अपॉइंट करता है? सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ठीक ना, पीएम कौन बन सकता है ये बताइए आप लोग। पीएम कौन बन सकता है? मेजोरिटी पार्टी से। पार्टी से जो इलेक्टेड सर लीडर होता है। अच्छा, अभी तुम लोग सुनते हो ना यूपीए एनडीए, ऐसा कुछ सुने हो ना वर्ड्स? यूपीए यस क्या सर। होता है, एनडीए क्या होता यस है? सर। इन कॉलिशन हाँ, पार्टी। इन केस अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तब क्या होगा? तो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है। सर ठीक, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगा और जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो लीडर होगा वही लीडर को पीएम बनता है ना। यस सर। तो पीएम प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को भी बना सकता है? नो सर, उसमें नो, एमएलसी का वोट से होगा ना। किसी को नहीं बना सकता, यानी कि एमपी जो होंगे वो डिसाइड करते हैं, एमपी जो होंगे वो बताते हैं कि हाँ हमारा लीडर कौन होगा। ठीक ना। अच्छा, तुम लोग सुने हो कॉन्फिडेंस मोशन का? कॉन्फिडेंस मोशन का नाम तुम लोग सुने हो? नो सॉरी, सर। सुना है आपने कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नहीं नो सर। सुने हो। चलो, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, टोटल 30 का स्ट्रेंथ है, उनमें से एक पीएम इस एक को बनना है, तो एक आदमी हट गया। अब कितने बच्चे बचे? 29 29। पीएम को बनने के लिए कितने का सपोर्ट होना चाहिए? हाफ से ज्यादा, फिफ्टी मतलब प्लस। 15 होना चाहिए ना कम से कम। ठीक यस है, 15 होना चाहिए। तो अगर हमारे पास 15 लोग ने मुझे वोट कर दिया है तो हम पीएम बन सकते हैं, अगर हम खड़े हुए हैं तो। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये 15 का सपोर्ट हमें दिखाना पड़ेगा ना इन फ्रंट ऑफ पीएम, पीएम के सामने। यस यही चीज जो शो करना होता है ना, उसको हम लोग कन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, यानी कि हम दिखाते हैं कि हमारे सपोर्ट में 15 आदमी हैं। ठीक, अगर उनमें से 2-3 आदमी को कोई भड़का दे और मेरा अपोनेंट जो होगा वो ये कह रहा है कि अब इनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो मेरे ऊपर लगा सकता है नो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, समझ में आ रही बात? और वे कह सकता है कि इनके पास 15 आदमियों का 15% का सपोर्ट नहीं है, 50% का सपोर्ट नहीं है, फिर हमको प्राइम में जो प्रेसिडेंट होंगे समझने का ट्राई करो कि इफ आई एम पीएम, अगर हम पीएम है तो प्रेसिडेंट मुझे फिर कहेंगे कि आपको अपना जो होगा जो कन्फिडेंस मोशन है वो दोबारा शो करना होगा, आपको मुझे अपना पावर दिखाना होगा, पावर शो करना होगा। ठीक यस है, और उस केस में अगर मुझे 13 वोट्स मिले तो हम क्या पीएम रहेंगे? सर। नो हट जाएंगे ना सर। यस, पक्का। ये पीएम का टेन्योर कितने समय का हुआ, कितने समय का होता है एक पीएम का कार्यकाल? सोच के आंसर करना सब। एक पीएम का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तनिषा आंसर कर रही हो? यस सर। कितना दिन का होता है एक पीएम का वर्किंग पीरियड, कितना होता है? 5 इयर्स ही तो होता 5 ईयर। चलो ठीक भाई, अभी मैंने अपना एग्जाम्पल दिया ना, हम आज बने और कल मुझे नहीं हटाया जा सकता है पीएम के पोस्ट से। सर।
लेकिन सर मतलब मान के तो ये चलेंगे 5 साल होता है, अब वो बाई चांस नहीं, मान सर। के भी नहीं चलेंगे, मान के भी नहीं चल सकते। पीएम तभी तक रहता है जब तक आप मेजोरिटी पार्टी के लीडर है। पीएम का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ठीक ना? अब मान के ना चलिए, अब वास्तविक बातों पे आइए। तो पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं होता है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप चाहो तो म्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक ना? तो देखो, प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो होगा हेड होता है, और इसको जो होगा कौन अपॉइंट करता है, तो इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता है। उसको क्या करना होगा, उसको मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है या कोलिशन जो पार्टी होती है जिसका गठबंधन बनता है, उसके लीडर को ही वो कभी प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना, बना सकता है। और प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जब तक ही कंटिन्यूज इन पावर। यहाँ पे देखिएगा, स्टेटमेंट दिख रहा है ना आप लोगों के सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। जब तक वो कोलिशन का मेजोरिटी पार्टी का लीडर बना रहेगा, तभी तक जो होगा वो पीएम बना रह सकता है, नहीं तो उसको पीएम का पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक ना? अब पीएम को हम लोग चुनते भी नहीं है, तो देर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द पीएम। पीएम के पोस्ट के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखना सब। ऐसा ना कहना कि पीएम जो होगा हमारा डायरेक्ट, कभी कभी हम भी क्लास में आप लोगों से पूछ लेते हैं कि किसका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, तो पीएम का इलेक्शन तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं होता है। आप बस एमपी को चुनते हो, पीएम आप नहीं चुनते हो। क्लियर हुई बात? पक्का ना? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? वैसे सीएम की बात करेंगे तो सीएम जो होगा स्टेट लेवल पे सीएम आ जाएंगे। चलिए, अब ये जो पीएम होगा, ये पीएम हेड करता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, और ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो होंगे उसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुने आप लोग इसका नाम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? आ गया ही रहा है तो क्या ही लिखना है, सुने है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पीएम की सहायता से, यानी कि पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो होगा वो अपॉइंट करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट। बट कैसे, क्या अकेले खुद से? नहीं, तो अब पीएम बनने के बाद पीएम के पास पावर आ गया, तो जिसको चाहे उसको मिनिस्टर बना सकता है। तो एडवाइस करता है, एक तरीके से सीधे कहा जाए कि ऑर्डर करता है कि आप इसे मिनिस्टर बना दीजिए। हाँ बिल्कुल आयुषी, जैसे कि होम मिनिस्टर। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? अब देखो, कौन आदमी नेता बन सकता है, हारा हुआ कि जीता हुआ, आप मुझे बताइए कौन बन सकता है? नेता नहीं, मिनिस्टर कौन बन सकता है, हारा हुआ कि जीता हुआ? जीता हुआ विनर ही ना? नहीं, अब है ना जीता हुआ, ऑफ कोर्स, तो अब घटाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीता हुआ तो बन सकते हैं, लेकिन अगर पर्सन जो कि लूज कर दिया है या इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया है, वो भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, वो भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद उसके पास एक टिन्योर है 6 महीने तक, 6 महीने तक वो मिनिस्टर रह सकता है हारने के बाद या बिना कोई सीट लेने के बाद, ठीक ना? 6 मंथ, यहाँ पे देखिए, इस 6 मंथ के अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा इसका मेंबर बनना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी रखते हो एक एमपी होने का, तो आप बिना इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए भी मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद विद इन 6 मंथ तुमको जो होगा राज्यसभा या लोकसभा का जो भी है कैंडिडेट जो होगा वो लेना पड़ेगा। समझ मेरी बात? अब क्लियर हुआ? तो जीत के भी और हार के भी मिनिस्टर बन सकते हैं ना। अगर 6 महीने के बाद नहीं बने तो ऑटोमेटिक आपको रिजाइन करना ही पड़ेगा भाई, आप रिजाइन देकर जाइए क्योंकि आप इलेक्टेड नहीं है, ठीक? कुछ प्रॉब्लम यहां तक? सिंपल सा टर्म था, सब समझ में आ रहा है? हाँ, वाई दिस अपॉर्चुनिटी बट, हाँ क्यों, समझ सकते हैं भाई आपको लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ना समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ही बेटर लीडर जो होगा वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है और वो लूज कर जाता है, ठीक ना? कुछ नहीं करना है, आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आप लूज कर गए, और प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अपना एक टीम बनाना है, ठीक ना? तो वो किसी भी आदमी को जो कि एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी बस चेक होगी। एलिजिबिलिटी यानी कि आपका एज, जो आप एमपी के लिए पढ़े हो ना, यहाँ क्या एमपी की एलिजिबिलिटी होती है,
राज्यसभा में जाना है तो 30 साल और लोकसभा में आना तो 25 ईयर्स, यही आपका होना चाहिए। तो अगर आप एक बेटर लीडर लग रहे हो इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको बिल्कुल रिक्रूट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है वो चीज रिक्रूट करने का, उसको पावर दिया गया है, वो रिक्रूट करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि आदमी बेटर काम कर सकता है, तो या उसकी मजबूरी भी हो सकती है भाई, सिंपली बात है, मजबूरी होती है। कोलिशन गवर्नमेंट में ज्यादातर ये केसेस देखे जाते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बेचारा कंप्रेस रहता है कि हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन करने के बाद एक कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन ने डाला है कि भाई इलेक्टेड लीडर्स को चुन के आपको बनाना है, तो उस केस में आपको 6 महीने के अंदर जो होगा मिनिस्टर बनना पड़ेगा। यानी कि सीधी बात समझ जाओ कि यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा पूछा है कि कहाँ के लोग जो होंगे मिनिस्टर बन सकते हैं, तो दोनों के, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। समझ में आ रही बात? बोथ, हाँ, बोथ हाउसेस के लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। इन केस अगर आप लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हो, तो तुम राज्यसभा का इलेक्शन जो होगा अगले नेक्स्ट 6 मंथ में अगर कंडक्ट होने वाला है, तो वहां पे जीत जाइए, या फिर किसी जगह पे बाई इलेक्शन अगर हो रहा है, तो उस जगह पे आप लोकसभा का कंटेस्ट करके जीत जाइए। आप मिनिस्टर बने रहेंगे, बनना रहना है, तो आपको जो होगा इलेक्शन जीतना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके, हाँ। अब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल 3 तरह के मिनिस्टर्स आते हैं। इज इट क्लियर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने तरह के मिनिस्टर्स आते हैं, सुनाई दिया ना आप लोग को? 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल जो मिनिस्टर्स की संख्या हो सकती है, दैट कैन नॉट बी मैक्सिमम देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? उससे कम हो सकता है, जनरली जो होगा वो 12 to 15% के बीच में वेरी करता है। तो अभी के टाइम पे हमारे पास 543 मेंबर्स हैं, तो 543 मेंबर्स का 15% कितना हो गया, लगभग 81 आता है। समझ में आ रही बात? लगभग 81, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर की जो जनरल संख्या है, यूजुअली ये जो नंबर होता है, ये नंबर होता है 60 to 80, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या, सॉरी प्राइम मिनिस्टर अगर बोल दिए हम तो। समझ में आ रही बात? 15% से अधिक लोगों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक ना, तो 81 है, तो यही जनरली रखा गया है कि 60 से 80 से कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। अब देखते हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इसके अंदर 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और यही जो होंगे दे आर द टॉप लेवल मिनिस्टर्स। तुम लोग सुनते हो ना, होम मिनिस्टर कौन है भाई? अभी होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, पक्का? सब कोई अमित शाह ही कह रहे हैं, पक्का ना? अमित शाह क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है ना? इज इट क्लियर? अमित शाह कैबिनेट मिनिस्टर है, पक्का? तुम लोग सुनते हो ना, फॉरेन मिनिस्टर कौन है अभी, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जयशंकर, वेरी गुड। तो ये जो है, ये कौन से मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है। इनकी मैक्सिमम संख्या जो होगी वो 25 होती है। अभी 22 है आई थिंक, मुझे याद नहीं है कंफर्म, बट अभी 22 की संख्या है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। ठीक है, क्लियर? अब ये जो होंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। इसके अलावा जो होता है ना, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि ये पर्सन जो होंगे वो इंडिपेंडेंट है टू वर्क, काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है ये। ठीक, इनको छोटे छोटे मिनिस्ट्री दे दी जाती है, और इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में आने का कोई ज्यादा इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कैबिनेट मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक, और
इसके अलावा एक तीसरे टाइप के जो मिनिस्टर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जो होंगे ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए होते हैं, यानी कि इसके जो होंगे अंडर रहेंगे। यानी कि अगर हमने बात किया है तो अभी तुम्हारे पास फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, समझ में है ना? अब तुम लोग एक और मिनिस्टर होते हैं ना, इसका नाम है, मैं बता रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, और उनका नाम है शायद पंकज चौधरी। हाँ पंकज चौधरी नाम है, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर है लेकिन ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इसका मतलब तुम लोग बता सकते हो पंकज चौधरी कौन है? पंकज चौधरी, तो पंकज चौधरी निर्मला सीतारमण के, समझ जाओ, एक तरीके से उनके राइट हैंड है या उनको असिस्ट करने के लिए लगाया गया है, ठीक ना? यहीं पे ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ना, वो अपने अंडर एक और आदमी को रख लेते हैं, इसको डिप्यूटी मिनिस्टर बोलते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर वो जो होगा, हाँ, एक सेक्रेटरी नहीं बाबू, सेक्रेटरी जो होगा कभी भी, सेक्रेटरी आईपीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, यानी कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कराते हैं, सेक्रेटरी साकेत, ठीक ना? परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही सेक्रेटरी बन सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोई भी सेक्रेटरी नहीं बन सकते हैं। ये जो भी नाम आप लोग सुन रहे हो वो सब के सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह के मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इज इट क्लियर? ये चीजें आप लोग याद रखोगे, मैं नोट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और नोट्स में तुरंत अपलोड कर दूंगा। हु अपॉइंट काउंसिल ऑफ स्टेट, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देखो जो भी मिनिस्टर्स है ना, मुझे आपके चैट्स पूरे नहीं शो हो रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट के क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत है। हु अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट, समझ में आ रही बात? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द सजेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सीधे बात समझा जाए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अभी हम लोग सीधे देख लेंगे कि कौन अपॉइंट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करता है। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हो गया? अब बताओ व्हाट आर द पावर्स ऑफ पीएम, पीएम के पावर क्या होते हैं, कौन बताएगा पीएम का पावर? कुलसुम, बहुत दिन हो गया, कुलसुम अनम्यूट कीजिए, कुलसुम क्लास में हो कि नहीं हो? अब ये अनम्यूट ही नहीं करेगी तो क्लास के बाहर जाएगी अभी। हाँ नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, आप अनम्यूट कीजिए तो जरा मुझे देखने को मिले। यस सर, हाँ कुलसुम, ये बताइए प्राइम मिनिस्टर का पावर जानते हैं आप? यस सर, कुछ कुछ जैसे सर, ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स हाँ और उनके हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ लाइक डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और एनीथिंग। ठीक है, The Prime Minister distributes and redistributes work to the minister, all the ministers. He also मुझे has the बताओ कुछ, power to. what are the constitutional power of Prime Minister? Prime Minister के constitutional power क्या क्या है? जो भी power जो कि उसे written है in constitution, वो power क्या क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइम मिनिस्टर को कोई पावर दिया है? सर आई थिंक ही कैन डिसमिस मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट्स। तो कैबिनेट को अगर डिसमिस कर सकता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं हो, तो गवर्नमेंटल पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव का पावर हो गया ना बाबू वो। यस सर। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू, काफी नॉलेज आपके पास, कोई बात नहीं, चलो म्यूट कर लीजिए। ओके देखिए सिंपल सी बात है, अभी आपने समझ लिया कि प्राइम मिनिस्टर क्या क्या कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की सारी मीटिंग को चेयर करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो किसी भी मिनिस्ट्री को जो होगा पोर्टफोलियो डिसाइड भी करता है, साथ ही साथ वो रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, यानी किसी ना किसी का पोर्टफोलियो चेंज भी कर सकता है। बट ऑन द होल अगर ये बात करते हैं हम लोग, तो प्राइम मिनिस्टर हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। प्राइम मिनिस्टर को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दिया गया है, लेकिन ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, समझ में आ रही बात? वो कैबिनेट का हेड है, और कैबिनेट क्या है भाई, कैबिनेट इज द गवर्नमेंट, कैबिनेट ही तो गवर्नमेंट है ना।
हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होता है उस गवर्नमेंट में सारे के सारे डिसीजन कैबिनेट लेता है, इसलिए हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट होते हैं उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, और कैबिनेट का हेड कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है। सो मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी आर ऑल्सो नोन एज द प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात ये समझना कि बहुत सारे डेमोक्रेसी को हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, या बहुत सारे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके, चलो अब देखते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, देखो सारे बोल्ड वाले पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना, मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, मैं तुरंत क्लास को ओवर भी करूंगा, नेक्स्ट क्लासेस भी हमें लेने हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी देखिए, ये चीजें लिखी गई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, कैबिनेट जो होगा वर्क एज अ टीम, द मिनिस्टर हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस, बट एवरीवन हैज टू ऑन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। मतलब सीधे समझो, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अभी सपोज करो आप में से पांच आदमी जो होंगे ना, पांच आदमी का मैंने एक मीटिंग किया है और पांच आदमी को हमने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है। इनमें से एक को मैंने जो होगा वो रेल मिनिस्टर दे दी और एक को मैंने वाटर मिनिस्टर दे दी। ठीक ना, अब रेल का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, तो हम वाटर मिनिस्ट्री वाले जाएंगे पूछने कि भाई बताओ क्यों रेल का एक्सीडेंट हुआ है, तो वाटर मिनिस्ट्री वाला हमको बताएगा कि नहीं बताएगा? नहीं बताएगा ना, उसको क्या ही जाता है, उसको क्या मतलब है, वो बोले जाए रेल मिनिस्ट्री से पूछे। यही ना, वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही बात है, यही कह रहे हो पक्का? हाँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं ना, बट आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि अगर इन क्लास मैंने तुम्हारे क्लास में मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद हमने डिसीजन लिया है सभी ने, और भले पोर्टफोलियो मुझे दिया गया हो, लेकिन मीटिंग तो सबके सामने हुई है ना बाबू, सबके सामने तो हुई है मीटिंग, और उस डिसीजन में सबको अपने अपने व्यूज रखने थे ना। ठीक ना, तो भले ही हमारा उसमें से किसी एक ऑर्गन को मैंने कोई वर्क दिया हो और वो आदमी सही से वर्क नहीं कर पाया है और दूसरे से पूछा है, तो वो दूसरा पर्सन इसको ब्लेम नहीं कर सकता है, इस पर्सन को हमेशा जो होगा उसको सपोर्ट करना होगा, एंड ही इज एंसरेबल। चाहे आप रेल मिनिस्टर के लिए वाटर मिनिस्टर से क्यों ना पूछो, वो भी आंसरेबल होगा। वो आपको ये कह सकते हैं कि हाँ हम अभी आंसर नहीं कर सकते, हम बाद में आंसर करेंगे, आई विल आंसर लेटर, लेकिन ये कभी नहीं कह सकते कि नहीं आप जाकर किससे पूछो, रेल मिनिस्टर से पूछो। इज इट क्लियर? इस चीज को हम बोलते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सबके सब सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल है। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक, अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर से किसी भी तरीके से, यानी कि अगर इफ इन केस आप मिनिस्टर हो और आपको लग रहा है कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रही है, तो आप तुरंत आपको रिजाइन देना होगा। कैबिनेट मिनिस्टर का डिसीजन जो होगा वो आपको मानना ही होगा और हर टाइम पे उस डिसीजन को प्रेज ही करना होगा, दिस इज द कंडीशन। अगर आपको लगता है कि मतभेद है तो आपको मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, आप उसको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है गेम? आप बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट माय डिपार्टमेंट, मुझे मेरे डिपार्टमेंट के लिए अगर पूछो। बैंक वाला हाल नहीं है कि काउंटर नंबर 3 और 4 पे जाइए। ठीक ना, आर्यन राज ये करें कि इफ नर्व इज नॉट वर्किंग देन हाउ द हाउ एंड व्हाई लीवर आंसर। ठीक, यहाँ पे नर्व एंड लीवर की बात नहीं कर रहे हैं, व्हाट द नर्व हैज टू डू, व्हाट द लीवर हैव टू डू, ये सभी के सभी डिसीजंस कौन लेना है? दिस वन इज डिसाइड बाय द ब्रेन, एंड इफ नर्व इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इट मीन्स विच वन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, द ब्रेन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप कभी भी किसी भी टाइम पे ब्रेन को नहीं बोल सकते हो, दैट इज द रूल। ठीक ना, यानी कि अगर आपका एक भी मिनिस्ट्री गड़बड़ होता है तो गड़बड़ी कौन कर रहा है? द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाई द पीएम, और आप पीएम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक ना, पीएम ने बस आपको असाइन किया है,
तो देखो अब यहाँ पे डिस्कशन हो गया है ना, तो देख लेते हैं जरा। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, एंड द सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, यानी प्राइम मिनिस्टर आपको नियुक्त किया है ना, तो प्राइम मिनिस्टर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। तो यही चीज प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, इसके अंदर जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, देन यू हैव टू ऑलवेज प्रेज द प्राइम मिनिस्टर। आपको हमेशा प्राइम मिनिस्टर, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी होता है, आप कभी भी अपने पॉलिटिकल पार्टी के भी अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, ठीक ना। अच्छा, आप जो भी मिनिस्ट्री होगी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उसके पास फाइनेंस सेक्रेटरी होगा। ये फाइनेंस सेक्रेटरी जो होगा वो सिविल सर्वेंट होता है, ठीक ना। और इन सभी चीजों को जो सिविल सर्वेंट होते हैं, सेक्रेटरी होती है, इनका एक ग्रुप होता है, बंच ऑफ मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, वो सेक्रेटेरिएट कहलाते हैं। और इसी को जो होगा, इस कैबिनेट टीम को हम लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। और इस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कई सारे सिविल सर्वेंट जो होंगे वो होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, जो सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं। हो गया। तो कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, क्या क्लियर हो चुका आप सभी को? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलिए। हाँ बोलो ना साकेत, क्या डाउट है? अपने हैंड डाउन कर लिया। चलो साकेत फिर से हैंड रेस करो। सर जब इलेक्शन के टाइम पे सर जब गवर्नमेंट का पावर सीज हो जाता है, तो सर जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो गवर्नमेंट के अंदर में सर जो वर्क करते हैं, जैसे टीचर्स या सिविल सर्वेंट, तो सर वो उस समय किसके अंडर में आते हैं जब यह पावर सीज होता है? देखो इलेक्शन के टाइम पे तो वो इलेक्शन कमिश्नर के अंदर आते हैं, अगर वो इलेक्शन ड्यूटी पे तो है, यस सर। वो प्रेसिडेंट के अंदर हो जाते हैं। प्रेसिडेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन होता है, और वो भी इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्शन यस कमीशन उस समय प्रेसिडेंट के अंदर भी काम नहीं कर रहा होता, इलेक्शन कमीशन ही किसी को भी कोई भी चीज डिसीजन लेने के लिए ऑर्डर दे सकता है। ये तो यस इसके प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन था आपका। ओके ओके। जिसके भी क्लासेस में प्रेजेंस 95% से कम हो रहे हैं इन मिनट्स, वो समझेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस अभी लेफ्ट किए हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास 31 पार्टिसिपेंट थे, नाउ आई एम हैविंग ओनली 22, यानी कि 9 बच्चे बीच में से क्लासेस लीव किए हैं अभी। तो हम इसके ऊपर क्लियर एक्शन लेने वाले हैं, जो भी क्लासेस लेफ्ट कर रहे हैं बीच में। ओके, मूविंग अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल में कोई पावर नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन उनको कोई पावर प्रोवाइड नहीं करता है, बट स्टिल ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट में उसके पास बहुत सारे पावर हो गए। पावर क्या हो गया? सबसे पहला वो चेयर करता है कैबिनेट मीटिंग को। दूसरा, ये कई सारे किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में पूछ सकता है, वर्किंग कैसे करें उनको डिसीजन दे सकता है। तीसरा, उसका जो अगर इन केस कोई भी डिसएग्रीमेंट हो गया किसी भी दो पार्टी के बीच में, या दो कैबिनेट मीटिंग के, दो पार्टी के बीच में नहीं, सॉरी, दो मिनिस्टर्स के बीच में या दो डिपार्टमेंट के बीच में, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जो होगा वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना होगा। वो किसी भी मिनिस्ट्री को कभी भी चेक कर सकता है, ठीक। सारे के सारे मिनिस्टर उसके अंडर काम करेंगे। अगर उसको मूड किया कि आप सही काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है गलत काम कर रहे हो तो आपसे मिनिस्ट्री ले सकता है, और लेने के बाद किसी और को मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे कहा गया कि किसी मिनिस्टर को हटा भी सकता है। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर प्राइम मिनिस्टर हट गया और उसके बाद पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बचे हुए रहे, तो प्राइम मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के साथ ही साथ सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के साथ सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर उनको बनना होगा तो फिर नया पीएम बनेगा और नया पीएम उनको इलेक्ट करेगा, ठीक। समझ में आया क्या क्या पावर है प्राइम मिनिस्टर के? हो गया। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में, अगर देख रहे हैं तो इंडिया में कैबिनेट सबसे ज्यादा पावरफुल है, और कैबिनेट के अंदर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में सबसे अधिक पावरफुल कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर जो मोस्ट पावरफुल है दैट वन इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना। और इसी कारण से इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर?
ओके देन एंडिंग द क्लास टुडे, और सभी होमवर्क में मुझे यहाँ तक के नोट्स बनाकर भेज देंगे यूजिंग द गूगल लिंक प्रोवाइडेड इन योर ग्रुप। समझ में आई बात? ओके देन बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।